हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल गजब बनारस पे। तो दोस्तों आज है सावन का तीसरा सोमवार और आज हम आए हुए हैं सारनाथ में स्थित सारंगनाथ महादेव मंदिर में। यहाँ पे हम आपको इस मंदिर का पूरा विजिट कराएंगे, पूरा घुमाएंगे और इस मंदिर का क्या धार्मिक महत्व है ये भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहेगा वीडियो में और आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं सारंगनाथ महादेव मंदिर का ये प्रवेश द्वार। ये जो सीढ़ियाँ हैं यही सीधे सीधे जाती हैं बाबा सारंगनाथ और के मंदिर में। और देखिए आज सावन का तीसरा सोमवार है तो जो भक्त हैं वो लंबी लंबी कतारों के साथ यहाँ आए हुए हैं। और ये रास्ता है आने का, आप देख सकते हैं। और ये जो रास्ता है आप चले जाएंगे जिधर मेला लगा हुआ है ये उधर आप चले जाएंगे। तो आइए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे और क्या कुछ मंदिर के शानदार नज़ारे हैं। यहाँ पे देखिए फूल माला की दुकानें भी लगी हुई हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो भगवान शिव को प्रिय है यहाँ पे उन फूलों की उन मालाओं की दुकानें हैं। और आइए ये देखिए यहाँ पे भाई थोड़ा मंदिर प्रांगण आपको घुमाते हैं हम इन सीढ़ियों के माध्यम से। देखिए ये मंदिर प्रांगण है। और ये आपको सामने भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। कांवरियाँ हैं और देखिए ये जो यही मंदिर का गर्भगृह है इसी में बाबा भोलेनाथ अपने साले साहब सारनाथ के साथ विराजमान है। ये भक्तों की यहाँ पे लाइन लगी हुई है। दोस्तों इस मंदिर के बारे में जो महात्म्य है वो ये है कि जब भगवान शंकर की शादी राजा दक्ष की पुत्री सती के साथ हुई, राजा दक्ष के जो पुत्र थे ऋषि सारंगनाथ वो इस विवाह में शामिल नहीं हुए थे। और जब वो आए अपने घर पे तो उन्हें पता चला कि मेरी बहन की शादी पहाड़ों पे कैलाश पर्वत पे रहने वाले भगवान शंकर के साथ हुई है। तो वो थोड़ा नाराज हो गए और पिता से बोले कि ऐसा है कि आप मुझे अपन कुछ सामान दीजिए, सोना चांदी जो गृहस्थी का सामान होता है जो भाई अपने बहन के घर ले जाता है। तो वो वहाँ से अपने घर से काशी के लिए चल रही क्योंकि उस समय माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ काशी में विराजमान करते थे। तो जब वो चले वहाँ से तो इसी जगह पे उन्हें नींद आ गई। चलते चलते यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया जहाँ ये आज मंदिर बना हुआ है। तो आइए आगे कहानी आगे की वीडियो में बताते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो जब ऋषि सारंगनाथ जब यहाँ काशी में आए और जब उन्होंने विश्राम करने के तो जब देखा कि अरे ये काशी तो पूरे स्वर्ण जड़ित महंगे महंगे रत्नों से, यहाँ पे अमूल्य रत्नों से जड़ी हुई है। तो मैं जो सामान लाया हूँ वो तो यहाँ पे तुच्छ बराबर है। तो ऋषि सारंग ने यहाँ पे तपस्या की
और महादेव को प्रसन्न किया और महादेव प्रकट हुए और उनसे बोले कि हम आपकी साधना, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप मांगिए क्या आप मांगना चाहते हैं। तो बोले कि हे प्रभु, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि पूरे सावन माह जो कि आपका प्रिय माह है उसमें आप मुझे, आप मेरे साथ यहाँ पे विराजमान होंगे और जो भी आपके दर्शन सावन माह में करेगा उसकी हर मनोकामना को आप पूर्ण करेंगे। तो महादेव तो बहुत दयालु देव हैं, देवों के देव हैं, देवादिदेव महादेव हैं वो। उन्होंने कह दिया तथास्तु, और तभी से हर सावन माह इस मंदिर में दर्शन करने का एक अलग ही महात्म्य है। और ऐसा कहा भी जाता है कि यदि जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है अगर वो इस मंदिर में भगवान शंकर और ऋषि सारंग नाथ के दर्शन करेंगे तो उन्हें संतान की भी प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से कुछ यही है इस मंदिर का महात्म्य। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और आप यहाँ पे भक्तों की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो देख सकते हैं, ये लोग दर्शन करने जा रहे हैं। जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो वापस भी आ रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो हॉल है, यहाँ पे लोग अपने जो शुभ कार्य है, जैसे विवाह हो गया, कोई कथा हो गई, किसी तरीके का शुभ मांगलिक कार्यक्रम है इस मंदिर में भी यहाँ होता है। देखिए ये मंदिर चूँकि पूरी पहाड़ी पे बसा हुआ है इसलिए ये काफ़ी ऊंचाई से ही दिखाई देने लगता है। और आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे आज के दिन। तो दोस्तों हमने आपको कराए बाबा सारंगनाथ के दर्शन और घुमाया इस मंदिर के प्रांगण को। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं या पहली बार है
तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम इसी तरह की बनारस के और ढेर सारे महादेव मंदिरों को दिखाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव। शोले लिए और डमरू बाज रहा, छोला।